Everyone, welcome to Takshila classes. I'm Karun Pankaj. So in this video, I'll be covering Himachal Pradesh at a glance. It is just a basic of Himachal Pradesh. So let's start. सबसे पहले बात करेंगे हिमालयाज की. तो हिमालयाज जितनी भी लाइन है ये सब हिमालयाज हैं. दिस इज सेंट्रल हिमालयाज, दिस इज वेस्टर्न एंड दिस इज ईस्टर्न. तो हिमाचल प्रदेश लाई करता है यहाँ जैसे दिस पोर्शन. सो एच पी लाइज इन वेस्टर्न पार्ट ऑफ हिमालयाज. सो एच पी लाइज इन वेस्टर्न हिमालयाज. ये हिमाचल प्रदेश है. यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में 12 डिस्ट्रिक्ट्स हैं. चंबा, लाहौल स्पीति, कांगड़ा, ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, सोलन, सिरमौर, शिमला, मंडी, कुल्लू, किन्नौर. सो बेसिकली सिर्फ 4 डिस्ट्रिक्ट्स को छोड़ के सभी डिस्ट्रिक्ट्स के जो हेड ऑफिसेज हैं वो उन्हीं के नाम पे हैं. जैसे कि कुल्लू का कुल्लू में है, चंबा का चंबा में है, हमीरपुर का हमीरपुर में है, बस सिरमौर का नाहन में है, किन्नौर का रिकोंगपियो, लाहौल स्पीति का किलोंग और कांगड़ा का धर्मशाला है. सो इन 4 को छोड़ के सभी के जो हेड ऑफिसेज हैं उनका उन उसी डिस्ट्रिक्ट के नाम पे उनके हेड ऑफिस हैं. सो अगर लेंथ की बात करें तो इट इज़ 270 किलोमीटर्स एंड विड्थ की बात करें तो इट इज़ 355 किलोमीटर्स. ओवरऑल हिमाचल प्रदेश की जो सरकमफ्रेंस है, जो आउटर बाउंड्री है, दैट इज़ 1170 किलोमीटर्स. उसमें से 200 किलोमीटर्स की बाउंड्री जो है वो इंटरनेशनल बाउंड्री है, जो कि दिस वन इज़ इंटरनेशनल बाउंड्री, जो कि तिब्बत के साथ ये अपनी बाउंड्री बनाती है. लाहौल स्पीति का स्पीति और किन्नौर, ये 2 डिस्ट्रिक्ट इंटरनेशनल बाउंड्री बनाते हैं. बाकी सारे डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं बनाते हैं. अब बाउंड्री की बात करें तो सबसे पहले चंबा और लाहौल स्पीति ये बॉर्डर बनाएंगे. सी दिस इज़ द पार्टीशन. सो यहाँ ये वाला जितना भी पोर्शन है और ये वाला अपर पोर्शन चंबा और लाहौल स्पीति का, ये जम्मू कश्मीर के साथ अपने अपना बॉर्डर शेयर करेंगे. बाकी चंबा, देन कांगड़ा, ऊना, बिलासपुर और थोड़ा सोलन, तो ये अपनी बाउंड्री बनाएंगे पंजाब के साथ. देन सोलन, सिरमौर, ये अपनी बाउंड्री बनाएंगे हरियाणा के साथ. और सिरमौर फ्रॉम ईस्टर्न साइड, देन शिमला एंड किन्नौर, ये सब अपनी बाउंड्री बनाएंगे उत्तराखंड के साथ. और लाहौल स्पीति और किन्नौर दोनों इंटरनेशनल बाउंड्री बनाते हैं 200 किलोमीटर की. बाकी ओवरऑल सर्कमफ्रेंस की बात करेंगे, दैट इज़ 1170 किलोमीटर्स. नौ हिमालयाज, हिमालयाज यंगेस्ट फोल्डेड माउंटेन्स हैं. अब यंगेस्ट फोल्डेड किस लिए हैं, क्योंकि जितने भी पेनिनसुलर माउंटेन्स हैं जैसे कि अरावलीज हो गए, फिर नीलगिरीज हो गए, जितने भी हैं ये 1000 मिलियन ईयर्स से भी पुराने हैं, बट हिमालयाज सिर्फ 40 मिलियन ईयर्स ओल्ड हैं. सो इसलिए ये यंगेस्ट फोल्डेड माउंटेन्स हैं और इनका ये राइज हुए हैं टेथिस सी से. हिमालयाज फ्रॉम नॉर्थ टू ईस्ट, नॉर्थ साइड में है नंगा पर्वत एंड ईस्टर्न साइड में है नामचा बड़वा. हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालयाज इज माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में है. और नेपाल में 9 ऑफ द 14 हाईएस्ट पीक्स ऑफ द वर्ल्ड है. हिमालयाज को वेदर मेकर ऑफ एशिया भी कहते हैं. नौ हिमाचल प्रदेश वेस्टर्न हिमालयाज में लाई करते हैं, वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर. अब इसका जो लेटिट्यूड है दैट इज 30 degrees 22 minutes and 40 seconds नॉर्थ टू 33 degrees 12 minutes 40 seconds नॉर्थ. एंड लेटिट लॉन्गिट्यूड्स हैं 75 degrees 45 minutes 55 seconds ईस्ट टू 79 degrees 4 minutes and 20 seconds ईस्ट. अब हिमाचल का हिम प्लस आंचल, उसका मतलब होता है लैंड ऑफ स्नोई माउंटेन्स. हिमाचल प्रदेश का जो नाम था इट वॉज गिवन बाय आचार्य दिवाकर दत्त शर्मा. हिमाचल प्रदेश को और भी कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि अबॉर्ड ऑफ गोड्स, देवभूमि, फ्रूट बॉल ऑफ इंडिया, एप्पल स्टेट ऑफ इंडिया, नेचर्स पैराडाइज. और जो चंबा नाम, जो कांगड़ा के ऊपर के जो माउंटेन्स हैं उनको चंबा का नाम मिस्टर बार्नेस ने दिया था. द कोलोसल कोलोसल रेंज ऑफ माउंटेन बाइंडिंग कांगड़ा टू द नॉर्थ
हैज बीन कॉल्ड चंबा रेंज बाय मिस्टर बार्नस। दीज आर द फैक्ट्स विच यू हैव टू रिमेंबर, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इन छोटे छोटे फैक्ट्स से। वी हैव डिस्कस्ड इट इन द मैप कि ईस्ट साइड हिमाचल प्रदेश बॉर्डर बनाएगा तिब्बत से, वेस्ट साइड से पंजाब, नॉर्थ साइड से जम्मू कश्मीर, साउथ ईस्ट से उत्तराखंड और साउथ वेस्ट से हरियाणा। जो हिमाचल प्रदेश को एक हिल स्टेट डिक्लेयर किया गया था 1964 में। हिमाचल प्रदेश का टोटल एरिया 55673 स्क्वायर किलोमीटर्स है, जो कि ओवरऑल इंडिया का 1.7% है। और पॉपुलेशन की बात करें तो 68,64,602 है, विच इज़ 0.57% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो 123 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर है, यानी कि एक स्क्वायर किलोमीटर में यहाँ पे 123 पर्सन रहते हैं। और सेक्स रेशो की बात करें तो दैट इज़ 972 पर 1000 मेल्स, 972 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। नाउ सम फैक्ट्स। लाहौल स्पीति सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश का, जिसका एरिया है 13,835 स्क्वायर किलोमीटर, और विच इज़ 24.85% ऑफ द होल। और हमीरपुर सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है, विच इज़ 1,118 स्क्वायर किलोमीटर, विच इज़ एक्चुअली 2.01% ऑफ द स्टेट। अब हिमालयन लैंडमास की बात करें तो हिमालयन लैंडमास सिर्फ 10.5% हिमाचल कॉन्स्टिट्यूट करता है, यानी कि जो हिमालयन हिमालयाज हैं वो सिर्फ 10.54% है हिमाचल प्रदेश में। और हिमाचल प्रदेश का 33% एरिया इज़ अबव 10,000 feet। एल्टीट्यूड ऑफ HP वेरीज फ्रॉम 350 meters टू 6,975 meters। हिमाचल प्रदेश में शिवालिक्स हैं, धौलाधार हैं, पीर पंजाल हैं और ग्रेटर हिमालयन जांस्कर रेंज है। क्लाइमेट की बात करें तो हिमाचल प्रदेश का क्लाइमेट यूरोप के क्लाइमेट से काफ़ी रिजेंबल करता है। अब हिमाचल भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, यू कैन से जैसे ओल्ड हिमाचल है एक न्यू हिमाचल है। जो भी डिस्ट्रिक्ट 1966 के बाद ऐड हुए थे हिमाचल प्रदेश में, वो सब न्यू हिमाचल में काउंट होते हैं, और जितने भी पुराने थे जो 1966 से पहले ऐड हुए थे या उन्हें ओल्ड हिमाचल कहा जाता है, जैसे चंबा, किन्नौर, बिलासपुर, मंडी, सिरमौर, शिमला। जैसे किन्नौर 1960 में ऐड हुआ था, बिलासपुर 1954 में ऐड हुआ था, और चंबा, मंडी, सिरमौर और महासू से तो हिमाचल प्रदेश बना था। जैसे न्यू हिमाचल की बात करें तो कांगड़ा, कुल्लू, ऊना, हमीरपुर, लाहौल स्पीति, ये सब 1966 में हिमाचल में ऐड हुए थे। हिमाचल की बॉर्डर लाइन जो है इट इज़ 1,170 किलोमीटर्स, और उसमें से इंटरनेशनल बाउंड्री है 200 किलोमीटर्स की। परसेंटेज शेयर की बात करें चंडीगढ़ में, जो कि हिमाचल का है, दैट इज़ 7.19%। रेवेन्यू रिकॉर्ड्स की के हिसाब से देखें तो आउट ऑफ 55673 स्क्वायर किलोमीटर्स जो मेजर्ड लैंड है स्टेट का, दैट इज़ ओनली 45,318 स्क्वायर किलोमीटर्स। नौ डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें तो सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है लाहौल स्पीति, जो कि 13,835 स्क्वायर किलोमीटर्स है, विच इज़ 24.85% ऑफ द स्टेट। और ये क्वेश्चन अभी अभी अलाइड के पेपर में भी पूछा गया था। देन चंबा, विच इज़ 6,528 स्क्वायर किलोमीटर्स, जो कि 11.72% है। देन किन्नौर 6,401 स्क्वायर किलोमीटर्स, विच इज़ 11.50%। कांगड़ा की बात करें तो 5,739 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, विच इज़ 10.31%। कुल्लू की बात करें तो 5,503 स्क्वायर किलोमीटर्स, विच इज़ 9.88%। शिमला की बात करें तो 5,131 स्क्वायर किलोमीटर्स, विच इज़ 9.22%। मंडी 3,950 स्क्वायर किलोमीटर्स, विच इज़ 7.09%। सिरमौर इज़ 2,825 स्क्वायर किलोमीटर्स, विच इज़ 5.07%। सोलन इज़ 1,936 स्क्वायर किलोमीटर्स,
विच इज 3.47%। ऊना इज 1,540 स्क्वायर किलोमीटर्स विच इज 2.77%। बिलासपुर इज 1,167 स्क्वायर किलोमीटर्स विच इज 2.10%। एंड हमीरपुर जो कि सबसे छोटा है इज 1,118 स्क्वायर किलोमीटर्स विच इज 2.01%। तो पहले के तीन और आखिरी के तीन याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ कैपिटल, स्टेट कैपिटल शिमला है। हिमाचल डे इज 15 अप्रैल और स्टेट हुड डे 25 जैन। एक्चुअली जब हिमाचल सबसे पहले तो चीफ कमिश्नर प्रोविंस बना था ये 15 अप्रैल 1948 को, और जो स्टेट हुड डे 25 जनवरी को इसलिए मनाते हैं क्योंकि इस दिन हमें स्टेट हुड का स्टेटस मिल गया था 1971 में। नाउ स्टेट गेम इज वॉलीबॉल। स्टेट ट्री इज देवदार। स्टेट फ्लावर इज पिंक रोडेंड्रॉन। स्टेट बर्ड इज वेस्टर्न ट्रैगोपैन जो कि जिसे जुजू राना भी कहते हैं। देन स्टेट एनिमल इज स्नो लैपर्ड। हिमाचल प्रदेश की दो कैपिटल्स हैं, वन इज समर कैपिटल एंड वन इज विंटर कैपिटल। विंटर कैपिटल की बात करें तो धर्मशाला इज द विंटर कैपिटल, और समर कैपिटल की बात करें तो शिमला इज समर कैपिटल। एवरेज रेनफॉल हिमाचल प्रदेश की 152 सेंटीमीटर्स है, बट धर्मशाला में सबसे ज़्यादा बारिश होती है हिमाचल प्रदेश में, विच इज़ 3400 mm, 3400 mm की रेनफॉल होती है यहाँ पे पर एनम। और सबसे कम बारिश होती है लाहौल एंड स्पीति में। लाहौल स्पीति में सबसे सबसे ड्राइएस्ट डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो लाहौल स्पीति सबसे लाहौल स्पीति जो है दैट इज़ ड्राइएस्ट डिस्ट्रिक्ट, और ड्राइएस्ट प्लेस की बात करें तो स्पीति इज़ ड्राइएस्ट प्लेस। लाहौल स्पीति में लेस देन 50 mm बारिश होती है। लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति है जो कि 24.85% कॉन्स्टिट्यूट करता है एचपी का एरिया, और स्मॉलेस्ट है हमीरपुर। नाउ एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर देख लेते हैं। फॉरेस्ट कवर की बात करें तो इट शुड बी 66.52%, बट फॉरेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से इट इज 21.56% ओनली। ये फॉरेस्ट एक्ट के अकॉर्डिंग का डाटा था, ये अकॉर्डिंग था ये डाटा कि हिली एरियाज में इतना फॉरेस्ट कवर ज़रूरी है 66.52%। देन डिविजन्स की बात करें तो यहाँ पे तीन डिविजन्स हैं, शिमला मंडी कांगड़ा। डिस्ट्रिक्ट्स 12 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, सब डिविजन 62 हैं, ब्लॉक 78 हैं, तहसील्स 145 हैं, अर्बन लोकल बॉडीज 49 हैं, टाउन्स 59 हैं, ग्राम पंचायत्स 3243 हैं। नाउ विलेजेस की बात करें तो 20,690 विलेजेस हैं, पुलिस स्टेशन 127 हैं, लोकसभा सीट्स यहाँ पे 4 हैं, राज्यसभा सीट्स 3 हैं, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी 68 हैं, और लिटरेसी की बात करें तो 82.80% इज लिटरेसी रेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। नाउ टोपोग्राफी के बेसिस पे हिमाचल प्रदेश को डिवाइड किया गया है। सबसे पहले लोअर हिल्स और आउटर हिमालयन जोन भी कहते हैं इसे, और इन्हें शिवालिक्स भी कहते हैं। शिवालिक्स को एंशियंट टाइम में मैनाक पर्वत कहते थे, और मानक पर्वत भी बोल सकते हैं। तो शिवालिक्स, लोअर हिल्स और आउटर हिमालयाज, इनकी रेंज 350 मीटर्स टू 1500 मीटर्स होती है। शिवालिक का मतलब होता है ट्रेसेस ऑफ शिवा, मीन्स शिवा की जटाएं, और शिवा हिमालयाज खुद ही यंगेस्ट हैं, और इनका भी यंगेस्ट पार्ट है शिवालिक्स। शिवालिक्स रिप्रेजेंट द यंगेस्ट पार्ट ऑफ हिमालयाज। ये शिवालिक्स जो हैं बेसिकली बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, ऊना, लोअर पार्ट्स ऑफ मंडी, सिरमौर, इन सब जगह पाए जाते हैं। इसे और भी नामों से जाना जाता है जैसे कि हाथीधार, सिकंदर धार, चौमुखी धार, सोला सिंगी धार, रामगढ़ धार, नैना देवी धार, धारती धार। सो ऑल आर शिवालिक्स। नाउ इनर हिमालयाज एंड मिड हिमालयन जोन, इसकी बात करें तो 1500 मीटर्स टू 4500 मीटर्स होता है ये, और हॉर्टिकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से ये बेस्ट है। सिरमौर, मंडी, कांगड़ा, चंबा, शिमला, ये सब इसी जोन में आते हैं। ये एक्चुअली जो हमारे मिड हिमालयाज हैं वो पीर पंजाल और धौलाधार दोनों में डिवाइडेड हैं। पीर पंजाल की बात करें तो 4000 मीटर्स टू 5000 मीटर्स की रेंज होती है इनकी। बेसिकली जो ये मेनली पाए जाते हैं चंबा में, चंबा में मेनली पाए जाते हैं ये। लार्जेस्ट रेंज है ये लेसर और इनर हिमालयाज में, सबसे
लंबी रेंज जो है, सबसे बड़ी रेंज जो है दैट इज पीर पंजाल ओनली, और ये ग्रेटर हिमालय से बाइफ्रिकेट हो जाती है सतलुज रिवर के पास, और श्रीखंड में ये मर्ज कर जाती है। श्रीखंड कुल्लू में है। हाईएस्ट पीक मनी महेश है, पीर पंजाल की हाईएस्ट पीक इज मनी महेश। नाउ धौलाधार 1500 मीटर्स टू 4550 मीटर्स तक की रेंज होती है इसकी। धौलाधार का खुद का मतलब होता है वाइट पीक, और बेसिकली ये बद्रीनाथ जो कि उत्तराखंड में है वहाँ से ये रेंज स्टार्ट होती है, फिर खेड़ी नाम की जगह से ये हिमाचल में एंटर करती है। और इन्हें धौलाधार को मौलक पर्वत भी कहा जाता है, जैसे शिवालिक को मैनक पर्वत और धौलाधार को मौलक पर्वत। ये सतलुज रिवर को काटती है रामपुर में, और ब्यास रिवर को काटती है लालजी में, यही रेंज। और इसकी सबसे बड़ी पीक जो है, जो हाईएस्ट पीक है इस रेंज की, दैट इज़ हनुमान जी का टिब्बा, 5639 मीटर्स की हाइट है उसकी। देन ग्रेट हिमालयाज की बात करें तो ग्रेट हिमालयाज को अल्पाइन जोन भी कहते हैं, 5000 मीटर्स टू 7000 मीटर्स की हाइट होती है। और ये रेंज मेनली किन्नौर डिस्ट्रिक्ट, पांगी तहसील ऑफ चंबा एंड सम पार्ट्स ऑफ लाहौल स्पीति में पाई जाती है ये रेंज। देन रेनफॉल बहुत कम होती है यहाँ पे, जो ड्राई फ्रूट्स की कल्टीवेशन है बेसिकली बहुत अच्छी होती है यहाँ पे। जांस्कर रेंज की बात करें तो इसी का ही एक्सटेंशन, इसी की एक्सटेंशन है जांस्कर रेंज, ठीक है, जो कि स्पीति किन्नौर को तिब्बत से अलग करती है, सेपरेट करती है। जांस्कर रेंज इज द ईस्टर्न मोस्ट रेंज ऑफ एचपी। हाईएस्ट पीक की बात करें तो शिला है, जो कि हिमाचल प्रदेश की भी हाईएस्ट पीक है, विच इज 7025 मीटर्स, जांस्कर रेंज में लाए करती है ये। 60% एरिया जो है एचपी का, सॉरी 60% एरिया एचपी का लाइज इन लेसर एंड ग्रेटर हिमालयास, 12% ट्रांस हिमालयन रेंज एंड 28% शिवालिक रेंज। डिस्ट्रिक्ट फॉलिंग, दीज आर द फैक्ट्स। डिस्ट्रिक्ट फॉलिंग इन धौलाधार रेंज आर कांगड़ा चंबा, बट मेनली धौलाधार रेंज जो है इज इन कांगड़ा। और वैसे ही पीर पंजाल जो है वो लाहौल स्पीति कुल्लू शिमला सब में है, बट मेनली ये चंबा में लाए करती है। एलिवेशन जो है एचपी की राइजेस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एंड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, यानी कि ये वेस्ट टू ईस्ट राइज करती है और नॉर्थ साउथ टू नॉर्थ राइज करती है। और ईस्टर्न मोस्ट रेंज जो है दैट इज जांस्कर। एलिवेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश फ्रॉम मीन सी लेवल वेरीज फ्रॉम 320 मीटर्स इन ऊना डिस्ट्रिक्ट टू 6975 मीटर्स एट लियो पार्जल इन किन्नौर। फिजियोग्राफिकली देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश को डिवाइड किया गया है पांच जोन्स में। सबसे पहले आता है वेट सब टेम्परेट जोन। अब वेट सब टेम्परेट जोन ऐसा होता है जहाँ पे ठंड भी होती है और बारिश भी खूब होती है, ठीक है। तो जैसे कि पालमपुर, जोगिंदर नगर, डलहौजी, धर्मशाला, यहाँ पे बारिश काफ़ी होती है और इसीलिए इसे वेट सब टेम्परेट जोन कहा जाता है। देन ह्यूमिड सब टेम्परेट जोन जैसे कि कुल्लू, कुल्लू शिमला, सम पार्ट्स ऑफ मंडी, सोलन, चंबा, कांगड़ा एंड सिरमौर। ड्राई टेम्परेट की बात करें तो यहाँ पे बारिश काफ़ी कम होती है, जैसे अल्पाइन हाई पार्ट्स ऑफ लाहौल स्पीति पांगी एंड किन्नौर। ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल जोन की बात करें तो जैसे मंडी, नाहन, नालागढ़, भटियात, नूरपुर, देहरा गोपीपुर। देहरा गोपीपुर कांगड़ा में है, नूरपुर भी कांगड़ा में है, भटियात इज इन चंबा, नालागढ़, नाहन एंड मंडी। सब ह्यूमिड ट्रॉपिकल जोन की बात करें तो ऊना, पांवटा साहिब, इंदौरा, तो इसे ही आप यूपीआई से भी याद कर सकते हैं, सब ह्यूमिड ट्रॉपिकल जोन, ऊना, पांवटा साहिब, इंदौरा। देन वेस्टर्न हिमालयाज को कैसे क्लासिफाई किया गया है क्लाइमेट रीजन के बेसिस पे, लेट सी। सबसे पहले ट्रॉपिकल, जो कि जितना भी एरिया 700 मीटर से बिलो है वो ट्रॉपिकल में काउंट किया जाएगा। देन 700 मीटर्स टू 2000 मीटर्स इज काउंटेड इन सब ट्रॉपिकल जोन। देन 2000 मीटर्स टू 3500 मीटर्स टेम्परेट जोन, 3500 मीटर्स टू 4500 मीटर्स सब आर्कटिक, एंड ओवर 4500 मीटर्स इज आर्कटिक जोन। नाउ ज्योग्राफिकल कैटेगरीज के बेसिस पे देखते हैं तो हिमाचल प्रदेश को डिवाइड किया गया है, जैसे वैलीज, जितना एरिया 1100 मीटर्स के बिलो होगा दैट कम्स अंडर वैलीज,
1,000 मीटर्स टू 2,000 मीटर्स लो हिल्स, 2,000 मीटर्स टू 3,500 मीटर्स हाई हिल्स, और अबव 3,500 मीटर्स इज एल्पाइन जोन। ये काफ़ी बार पेपर्स में पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने जितने भी बेसिस पे इनको कैटेगराइज किया गया है, मैंने सब कुछ ऐड कर दिया है इसमें। सो थैंक यू वेरी मच, होप यू लाइक इट, थैंक यू सो मच।